हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब्रिक फिटनेस टीचिंग क्लास। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग की थी। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लाउज में हमको तुरपाई बटन दोनों लगाना होगा, जो बाद का काम होता है वो। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास छोटा वाला सुई है और हमने एक तक धागे लगा लिया है और यहाँ पर हम गांठ बना लेंगे। और अब इसको सीधा करके, ज़्यादा बड़ा धागा नहीं लेंगे। यहाँ पे जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको थोड़ा सा हटा लेंगे और उसके बाद इस साइड को भी हम टाक करके इसको मुंह बंद कर देंगे, ताकि हमारे बाद में जो तुरपाई होता है वो निकले ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम इसे अपने एक उंगली पर ऐसे रख के दूसरी उंगली से दबाते हुए और अंगूठे से पकड़ कर और नीचे से 4-5 सूत धागे को लेते हुए सीधी तुरपाई हम कर लेंगे, जहाँ पर तक हमने कच्ची सिलाई चलाई है। तो इस तरह से हमने 4-5 सूत उठाते हुए पूरे में तुरपाई कर लेंगे, जो कि हमारे आगे के पल्ले का एक हिस्सा है। तो हम यहाँ से वहाँ तक तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए, हमारे एक पार्ट में तुरपाई हो गया हुआ है। यहाँ पे हम गांठ बना लेंगे। हमारे ब्लाउज में तीन पल्ला बन जा रहा है, जिसमें हम तीनों में अलग अलग तुरपाई करेंगे और गांठ बांध लेंगे, ताकि इसको अगर बाद में हमको खोलना पड़े, लूज करना पड़े, तो तुरपाई को ना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से हमारा तुरपाई पूरा परफेक्ट तरीके से हो गया है। और फिर इस पीछे वाले पल्ले में भी हम यहाँ से गांठ देते हुए तुरपाई कर लेंगे, सीधा पूरे पल्ले में कर लेंगे और लास्ट में भी हम गांठ बना लेंगे। यहाँ पर भी हम गांठ बना लेंगे, फिर इस वाले पल्ले में हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले का दूसरा पल्ला है। तो इसको भी हम इस तरह से तुरपाई कर लेंगे और आगे भी जो साइड छूटा हुआ है उसको हम बांधते हुए वहाँ पर भी हम गांठ बना लेंगे। ये हमारे पूरे तरह से तुरपाई लॉक हो गया है, जो कि बाद में कभी भी निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम सिंपल ब्लाउज में तुरपाई करते हैं। और इसके बाद हम जो हमारे काज वाले यानी कि हुक लगाएंगे, तो इसमें हम हुक लगाएंगे और इसको भी हम, यहाँ पे भी हमने कच्ची सिलाई चलाई है, तो यहाँ पर भी हम तुरपाई कर लेंगे। तो हम सीधी यहाँ से वहाँ तक पूरा में तुरपाई कर लेंगे। और फिर यहाँ से वहाँ तक तुरपाई करने के बाद, ये हमारे जो गले में जो हमने पतली पट्टी बनाई है, उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एकदम पतली है, इसको फोल्ड करके फिर वहाँ से इसे हम टाँगते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, ताकि ये हमारा अच्छे तरह से बंध जाए और बाद में निकलने का कोई चांस ना रहे। तो इस तरह से हमने गले की पट्टी को लॉक कर लिया है। और फिर इधर से धागा ले जाते हुए पूरे गले में हम इसी प्रकार से, हमने ये तिरछी पट्टी लगाई है, तो हम तुरपाई करेंगे तो एकदम परफेक्टली हमारा गला जो है सो बैठ जाएगा, थोड़ा भी टेढ़ा वगैरह क्रीज वगैरह नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम पूरे गले में तुरपाई कर लेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ तुरपाई हो गई है और पता भी नहीं चल रही है। इस तरह से ना तुरपाई करने पर काफ़ी खूबसूरत लुक आता है इसका। तो इस तरह से हम पूरे ब्लाउज के गले में तुरपाई कर लिए हैं। और यहाँ पर भी हम जब शुरू से वहाँ से करते हुए आएंगे, तो इधर भी उसी प्रकार से तुरपाई, जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे गोलाई में रखते हुए तुरपाई कर लेंगे और लास्ट में इस जगह भी हम गांठ लगा लेंगे। ये लास्ट में भी हम पक्की गांठ लगा लेंगे, ताकि ये बाद में निकलने का कोई चांस ना रहे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज के गले में भी तुरपाई हो चुकी है। और इसके बाद हम इसके बाजू में करेंगे, जो कि देखिए कितने परफेक्टली तरीके से हमारे पूरे गले में तुरपाई हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप तुरपाई करेंगे तो आपके ब्लाउज के गले में और आरी पट्टी लगाएंगे तो कोई भी क्रीज वगैरह नहीं आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज के बाजू में तुरपाई करनी है,
जो कि उसी प्रकार से गांठ लगाते हुए पूरे बाजू में हम सीधी तुरपाई कर लेंगे और यहाँ पे गांठ बना लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पूरे ब्लाउज में तुरपाई हो चुकी है, जो कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी परफेक्टली और काफ़ी खूबसूरत एकदम सीधी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, और जगह हमने नीचे साइड में और बाजू में कच्ची सिलाई चलाई है, तो उसे हम एक सुई से निकाल कर पूरे तरह से खींच लेंगे। ये बड़े टाके होते हैं तो काफ़ी इजीली निकल जाता है। तो इस तरह से हमने पूरे ब्लाउज के कच्ची सिलाई को निकाल लेनी है। इस प्रकार से हमने पूरे ब्लाउज की जो कच्चे सिलाई थी उसको हमने निकाल लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे परफेक्टली पूरे ब्लाउज में तुरपाई हो गई है और इसके बाद हम इसका बटन लगाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।